आज फोटोशॉप में हम लोग सीखेंगे कि कैसे डार्क सर्कल्स को हम रिमूव कर सकते हैं, वो भी एक मिनट से। वेलकम टू इनोवेटिव कोर्स, मेरा नाम इमरान इकबाल है। उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में कमर्शियल लेवल पर आपको एडिटिंग सिखाई जाएगी। जैसा कि आज हम डार्क सर्कल्स को रिमूव करने की जो टेक्निक है फोटोशॉप में उसे सीखेंगे। जस्ट आपने कंसेप्ट्स की तरफ देखना है, तो इस काम के लिए हम Adobe Photoshop को ओपन कर लेंगे। कंट्रोल प्लस ओ की को आपने प्रेस करना है, अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट को या डॉक्यूमेंट को आप इसमें इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई के नीचे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो कंट्रोल प्लस जे की को प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद सिंपल आपने राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसे चेंज कर लेना है। इसके बाद सिंपल आपने फिल्टर्स में जाना है, लास्ट ऑप्शन अदर्स और उसके आगे हाई पास को सिलेक्ट करना है। हाई पास में आपने कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि आपके यहाँ पर ये जो डार्क सर्कल्स हैं इनका जो टेक्सचर है वो विजिबल होने लग जाए। 5.4 इज सूटेबल फॉर दिस इमेज। मैंने ओके की को प्रेस किया। आफ्टर देन मैंने यहाँ पर नॉर्मल से ओवरले पे क्लिक करना है। करने के बाद आप इस लेयर से नीचे वाली जो लेयर है उसे सिलेक्ट कीजिए, एक नई लेयर आप बना लीजिए। बनाने के बाद सिंपल आपने आई ड्रॉपर टूल लेना है, जो कलर आप चाहते हैं कि इस डार्क सर्कल को कवर करें आप जस्ट उसे आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए सक कीजिए। यहाँ से आप ब्रश टूल लीजिए और जब आपने आई ड्रॉपर टूल लेना है मेक श्योर कि जो इसका सैम्पल साइज़ है वो 5x5 हो जाए और जो इसका सैम्पल है वो करंट एंड बिलो वाला आपने सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ से हम इसके बाद ब्रश टूल लेंगे। आपने यहाँ से इसका जो फ्लो है वो सिलेक्ट कर लीजिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और सिंपल इसके ऊपर अप्लाई करना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने एक मिनट से कम टाइम में डार्क सर्कल्स को रिमूव कर दिया है। सो सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द रेड बटन डाउन देयर, लाइक शेयर एंड कमेंट। टिल देन